हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के नशेमन कॉलोनी में आज दोपहर में एक चोर को इमारत में रहने वाले लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुंब्रा में घरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। घरों से मोबाइल फोन, जेवर, अन्य कीमती सामानों की चोरी की घटनाएँ बढ़ी। ज़्यादातर चोरी की वारदात सुबह 5 से 7 बजे के बीच में हो रही है। लोग अक्सर सोए रहते हैं इस दौरान और कोई घर का सदस्य बाहर दरवाज़ा खोलकर दूध लेने या अन्य किसी काम से सुबह जब बाहर निकलता है दरवाज़ा खुला पाकर चोर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। मगर आज दोपहर के वक्त ही नशेमन कॉलोनी में एक चोर इमारत में चढ़ गया और कुछ लोगों को शक हुआ कि ये चोर है, जिसके देखा गया कि ये चोर एक बंद दरवाजे के पास खड़ा था। इसे पकड़ लिया गया। इसके पास से चाकू, मोबाइल फोन और नशा करने वाली एक सिरप बरामद की है। लोगों ने इसे मारा पीटा भी। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आई। बताया जा रहा है कि ये चोर 2 से 3 दिन पहले नाडकर कॉम्प्लेक्स चांदनगर में गालिब आरिफ खान के घर में मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, अन्य कीमती सामानों की चोरी भी किया था, ऐसा इस पर आरोप लग रहा है। इस चोर के पास से जो मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है वो गालिब आरिफ खान का मोबाइल है। गालिब आरिफ खान के मोबाइल बॉक्स पर जो IMEI नंबर है वही नंबर इस मोबाइल फ़ोन का भी है। जैसे ही इलाके में चोर पकड़ने की खबर फैली कई लोग वहां पहुंच गए जो घर में हुए मोबाइल चोरी का शिकार हुए थे कि शायद ये चोर उनका भी मोबाइल चुरा कर ले गया हो। मोबाइल बॉक्स अपने साथ लेकर कई लोग वहां पहुंच गए। काफ़ी देर तक चोर को लोगों ने पकड़ के रखा, फिर मुंब्रा पुलिस के हवाले चोर को कर दिया गया। चोरी का आरोप लग रहे युवक ने बताया कि वो किस्मत कॉलोनी में रहता है और नशेमन कॉलोनी में पैसा बकाया था जो वसूली करने आया था। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये बहानेबाजी कर रहा है। बहरहाल इस युवक पर चोरी का आरोप लग रहा है और इस दौरान चोरी का आरोप लग रहे युवक से भी हमने बातचीत की है और स्थानीय लोगों ने भी क्या कुछ कहा है और गालिब आरिफ खान जिनका मोबाइल बरामद हुआ है उन्होंने भी क्या कहा है, सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ रहते हैं आप? कैसे क्या इधर कैसे आपको पकड़ा गया? तो पहले 3 माले पे खटखटाया तो 3 माले वाले बच्चे ऊपर ऊपर खटखटाया तो मेरे पैर में लगा था, नीचे खटखटाया तो सामने वाले बोलते अंदर। मोबाइल चोरी का भी आरोप लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज आप उधर हम लोग के पास। ये मोबाइल हाथ में जो है किसका है मोबाइल? मैं खरीदा हूँ जिससे लेके जाते खरीदा और जो उनके पास सीसीटीवी फुटेज उसमें आप दिख रहे हैं ऐसा बोल रहे हो? हमें तेरी बहन कबूल है, बहन ने कबूल है कि यही है? बहन ने कबूल है यही है। आवाज मत करना। ये मोबाइल किसे लिए तुमने? हमें बताना तैयार ना हो। अभी अभी तक आप क्या क्या चोरी की इधर से जो इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर? मारे जबरदस्ती, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी चोरी में आपको लगता होगा मैं चाकू की है? पैर की फोटो है मेरे पास। कैसा पैसा? कैसा पैसा? काम किया। अच्छा, किसके इधर? किसके इधर? अच्छा, पैसा वो पैसा नहीं देगा तो चाकू से मार देगा। धमकी देने आया खाली बात तो बीच में वो गलत समझ में बोले थे चाकू ले लिया, ये किया। तो ये चाकू लेके धमकी देने आए थे आप? वो सब को काई की बोतल है? ये खांसी है। तो खांसी खांसी अच्छा डोरेक्स यूज़ करके ये हम लोग के पीते ना फिर खांसी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गालिब गालिब खान है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? नाटकर तनो नगर के पीछे नाटकर कॉम्प्लेक्स है। फ्राइडे के दिन सुबह मेरे यहाँ चोरी हुई थी। सुबह एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं जाता हूँ सुबह वॉकिंग के लिए, तो दरवाजा जिस बंद करके चला गया था। वापस आया देखा तो घर में चोरी हो चुकी थी। तो उसमें मेरा एक दो मोबाइल था, एक टैब था और तीन रिंग थी सोने की, जिसमें से अभी यहाँ पे चोर पकड़ा गया। तो मुझे पता चला, मेरे मामू थे यहाँ पे, उन्होंने फोन करके बुलाया कि भाई ऐसा था चोर पकड़ा गया। मैं आया तो उसका शेविंग वगैरह थोड़ा डाउट हुआ कि है कि नहीं है, लेकिन अचानक उसके हाथ में मैंने मोबाइल देखा जो सेम मोबाइल सेम कवर था। तो मैंने घर से बॉक्स मंगाया अपना, जिसमें से एमआई नंबर सेम मैच हो चुका है। तो ये 100% या तो ये है या तो इनका ग्रुप है। मेरे पास तो जो चोरी गया था उसका भी फुटेज है, वो हमारा है Redmi 9। ये उसका उसका एमआई नंबर मैच हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीन गाजी है, हिल जोन में रहता हूँ। हिल जोन में हमारा रहना है सेकंड फ्लोर पे। वहाँ पे मॉर्निंग में अराउंड 9:45 to 10 AM के बीच का ये टाइम है। तो मेरा 2017 मोबाइल जो चोरी हुआ है, उस टाइम पे मेरे को, मैं उठा तो देखा फोन ही नहीं है, साथ में मेरे मम्मी का वॉलेट भी गायब हो गया था। तो वैसे हम लोग उठे, बिल्डिंग के नीचे का CCTV फुटेज देखे तो एक बंदा दिखा, बट वो इससे मैच नहीं हो रहा है वो। तो अभी आप यहाँ पर ये चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पता करने आए थे? हाँ, तो मैं वही पता करने आया। उसको मैं वही पूछा कि उनके ग्रुप का भी कोई बंदा होगा, क्योंकि अभी इमीडिएटली वही टाइम पे ये बंदा हमको मिला है। तो वही टाइम पे हम लोग सोचे कि इसी से पूछताछ कर ले, तो ना ये बताने को तैयार है, तो वही सर से अभी कंप्लेंट भी देना था। आज सुबह 10:30 एक हिल जोन से मुझे मतीन भाई का कॉल आया कि सकीब भाई, मेरे घर से आज मोबाइल का फोन चोरी हुआ है, तो CCTV में एक चोर पकड़ा गया, जरा आप उसको मतलब एरिया का है या किसका है अगर आप लोग देखो। तो मैंने CCTV उनसे मंगवाया और हमने सराउंडिंग में सबको भेजा। उसी बीच 12:30 मुझे वापस से सोसाइटी से हमारे कॉल आया कि साकिब एक चोर हमने यहाँ पे पकड़ा है, तो अब आ जाओ। तो मैं वैसे ही यहाँ पे पहुँचा और हमने इसे पूछ चालू की कि और एक घर है विंग में 3 माले पे 302 रूम नंबर का चोरी करने आया था घर में वो। तो हमने उसे आज वापस से पूछा कि यहाँ क्यों क्या करने आया, तो बोला कि नहीं मैं एक कलर का पैसा है मेरा बाकी है, मैं उससे वसूली करने आया। जब हमने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसकी कोरेक्स की बोतल, चाकू और काफी चीजें उसके साथ मिली। एक मोबाइल भी था जो उसके हाथ में था। तो हमने उसको पूछा मोबाइल किसका है, तो जैसा कि हमने जैसे उसका मोबाइल ओपन करके उससे पूछताछ की तो देखा तो पूरा फॉर्मेट किया हुआ है। तो हम उससे पूछताछ ही कर रहे थे, उतने में एक भाई नाड़कर से आए, बोले भाई ये मोबाइल मेरा है, बोले मेरे घर में जुम्मा के दिन चोरी हुई थी। तो हमने उनसे कहा कि आप प्लीज जरा बॉक्स अगर आपके पास अवेलेबल है या बिल अवेलेबल है तो आप लेके आ जाइए। तो उन्होंने घर से जाके अपना बॉक्स लेके आया और हमने उसको EMI नंबर मैच किया, देखा तो वही मोबाइल हाथ में है। उसके बावजूद भी वो चोर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।